हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 24 जून 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। तो पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। न्यूज़ देखो ये है कि अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसके लिए फंड है वो मोबिलाइज किया गया है। क्या होगा इसमें, 21 ग्राम गोकुल ग्राम है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। किसके लिए, कैटल डेवलपमेंट सेंटर के तौर पर। अब है क्या इसका मिशन, देखो गोकुल मिशन है ये बेसिकली हमारे देश में जो स्वदेशी ब्रीड है ना गाय वगैरह की, इन ब्रीड्स को डेवलप करने के लिए है कि भाई उन ब्रीड्स की क्वालिटी को डेवलप किया जाए, ताकि इंडिया की जो डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं इनके अंदर मतलब जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। एडवांस टेक्निक है उनकी हेल्प से अच्छी ब्रीड है वो डेवलप की जा सकें या उसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए जा सकें। यह है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ना ये किसके अंडर है, ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवेन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, यानी कि जो NPBDD है ना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया है। इसके तहत हमारे देश में 21 गोकुल ग्राम बनाए जाएंगे। उन गोकुल ग्राम में होगा क्या, एक बार हम गोकुल ग्राम देख लेते हैं। देखो गोकुल ग्राम कैसे नाम से है, ग्राम का मतलब गाँव, तो मतलब एक तरीके से गांव टाइप की जगह है, या एक तरीके से बोलते हैं कुछ जगह है स्पेशली जगह। उस जगह में क्या होगा कि गायों की ब्रीडिंग है वो की जाएगी, अर्बन कैटल्स की। इसी के साथ ही उनको फोकस है वो किया जाएगा उनकी हेल्थ वगैरह को लेके, और वहाँ पे जेनेटिक ब्रीडिंग स्टोर है वो किया जाएगा, और जो वो लोग हैं बैल वगैरह हैं उनका जो सीमन है वो वहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, और अच्छी ब्रीडिंग है वो की जाएगी। मतलब हमारे देश की ब्रीडिंग को, गायों की ब्रीड है इसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए फार्मर्स के साथ ट्रेनिंग सेंटर है वो ओपन किए जाएंगे। यह है गोकुल ग्राम। अब हम चलते हैं हमारे मेन आर्टिकल पे। हमने देखा कि नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट है, इसके तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्टेट की एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, कौन सी है, जिसका नाम है लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है ना, इसके द्वारा इस स्कीम को, इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जो स्टेट के अंदर जो गौशाला आयोग हैं इनके साथ स्पॉन्सर करके इनकी हेल्प से ब्रीडिंग सेंटर के अंदर जो क्वालिटी है वहाँ पे गायों की उनको डेवलप किया जाएगा। ये है टोटल राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यह एक यूएन की स्पेशल एजेंसी है। तो देखो जो मेन यूएन की स्पेशल एजेंसी है ना, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और आपको एक चीज़ बता दूं, जो यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है ना वो यूएन का एक ऑर्गन है, मेन ऑर्गन, जिसका नाम होगा आपको इकोसोक ध्यान होगा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अंतर्गत ये काम है वो करती हैं, मतलब इनका रेगुलेशन वगैरह है, जो स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं इनका जो रेगुलेशन वगैरह है वो किया जाता है इकोसोक, यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज मतलब जो मेन ऑर्गन है उसके अंतर्गत आती हैं। अब जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको मैनली बनाया गया था 1944 में। काम क्या है, सिविल जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो सिविल एविएशन सेक्टर है ना, मतलब जहाँ पे पैसेंजर जो मतलब ये चलते हैं प्लेन वगैरह, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था। ये बनाया गया था मैनली शिकागो कन्वेंशन के तहत। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है शिकागो कन्वेंशन किस रिलेटेड है, तो हमें ध्यान में रखना है कि सिविल एविएशन सेक्टर से लेके है। इसी के साथ ही ICAO है, ये क्या काम करती है, अभी देखो इसके 193 कंट्री मेंबर हैं। इसका काम ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सिविल एविएशन सेक्टर है ना इसके स्टैंडर्ड तैयार करना, इसके साथ ही रिकमेंडेशन दी जाती है पार्टीज हैं जो जो कंट्रीज के पार्टीज हैं उनको, और नई पॉलिसी सपोर्ट की जाती है। इसी के साथ ही उनको पॉलिसी वगैरह बनाने में के अंदर नई सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंश्योर करना, एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, सिक्योर जो सिविल एविएशन सेक्टर है इसको सुनिश्चित करने के लिए। इसी के साथ ही इकोनॉमिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम है वो मेनली करता है। और इसके जो रेगुलेशंस वगैरह हैं वो ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही सेम स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। देखो ये नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है ना, ये GST का एक एक्ट है, सेक्शन है, इसका नाम है सेक्शन 171 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इसके तहत इस बॉडी का निर्माण है वो किया गया था, NAA, यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। अभी वैसे कंटेक्स्ट आया था कि जो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है ना इसका टाइम पीरियड 2 साल के लिए और एक्सटेंड है वो किया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो ये नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। देखो होता क्या है, जैसे आपको एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि डोमिनोज का लेते हैं, कि पहले डोमिनोज में कोई भी चीज़ थी, मान लो पिज्ज़ा था वो था 100 रुपये का,
उस पे उस टाइम पे टैक्स था, मान लेते हैं केवल इमेजिन करें, मान लो उस टाइम पे उस पे टैक्स था 20 रुपये, 20% था, यानी कि वो चीज़ हमें पड़ रही थी उस टाइम पे 120 रुपये में। अब आपको पता है जीएसटी में टैक्स स्लैब होती है, ये मान लो कि एपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 20% वाली है स्लैब है इसको मान लो कर दिया 5% कर दिया। अब क्या हो गया, मतलब टैक्स है वो 5% लगना चाहिए। तो देखो अकॉर्डिंग टू जीएसटी के रूल क्या होना चाहिए कि जो 100 रुपये की चीज़ है अब वो मिलनी चाहिए 105 में, यही तो हुआ ना, मतलब जो 15 रुपये का बेनिफिट है वो कस्टमर को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, कंपनियाँ करती क्या हैं, कंपनियाँ ये करती हैं कि जो अपना प्रोडक्ट है ना 100 रुपये वाला, इसकी रेट ही बढ़ा देती हैं, मतलब इसकी रेट ही वो ऐसे एग्जाम्पल मान लो कि 115 कर देती हैं, तो 115 का आप जो 5%, मतलब खैर मान लो 5 रुपये होगा, यानी कि वो इसकी रेट है वो उसमें कोई खास फर्क नहीं करती, यानी कि मान लो कस्टमर को अभी 120 ही देना है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट की रेट ही बढ़ा दी। तो हुआ क्या, एक्चुअली जो टैक्स का बेनिफिट है ना 15 रुपये, वो मिलना तो कस्टमर को चाहिए था ना, बट मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन थी या जो प्रोडक्ट की जो कंपनी थी उसने क्या किया, जानबूझ के प्रोडक्ट की रेट बढ़ा दी ताकि जो प्रॉफिट है वो खुद सहन कर, मतलब खुद प्रॉफिट है वो खुद को मिले और मार्केट के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके। तो ये है वो बेसिकली टेक्निकली मतलब गलत है, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो इस तरीके की कंपनियां मतलब चालाकी करती हैं, इनसे निपटने के लिए ही नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। इसका काम ये था कि अगर टैक्स रेट में कमी होती है ना, तो इसका जो इनपुट बेनिफिट है वो कस्टमर के पास जाना चाहिए, मतलब कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि कंपनी को। तो इसके लिए बेसिकली इसका निर्माण किया गया था। और ये जो बॉडी है वो करती क्या है, ये मान लो कि कोई भी कंपनी है अगर वो इस तरीके की धांधलेबाजी कर रही है या इस तरीके के स्टेप उठा रही है, तो उसको यह पेनल्टी लगा सकती है कि भाई आप मार्केट में कैंपेशन को डाउन कर रहे हो, इसी के साथ उसका लाइसेंस है जीएसटी का वो भी रद्द किया जा सकता है। तो इस तरीके के काम नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, कंडक्टिव का मतलब होता है चालकता, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरीके से मतलब गवर्न है, वो कर रही है इधर से उधर मूव कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट है वो होता है इस तरीके से। सुपर कंडक्टिविटी मतलब देखो पहले थोड़ा एग्जाम्पल से नॉर्मली समझते हैं। आपने सुना होगा, मतलब हमने बचपन में पढ़ा है कि साइंस के अंदर कि जब भी कोई भी वायर होता है उससे अगर मान ले इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है उस पदार्थ में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मान लो कि इधर से हमने 100 यूनिट भेजी तो अगली जगह पहुंचेगी मात्र ये मान लो कि 90 यूनिट ही, यानी कि 10 यूनिट है वो तो रास्ते में ट्रांसमिशन लॉस या फिर इस तरीके के लॉसेज होते हैं। क्यों, क्योंकि वायर वगैरह में रेजिस्टेंस वगैरह होता है उसकी हेल्प से, ये हमने पढ़ा है। अगर ये मान लो, इमेजिन करो एक बार कि ये जो 10 यूनिट लॉस हुई ना, ये मान लो कि ये एक जो वायर था ना ये ऐसी चीज़ का बना हुआ है कि इसमें 1% भी लॉस नहीं हो रहा, मतलब इधर से हमने 100 यूनिट भेजी तो इधर भी हमें 100 की 100 यूनिट ही मिल रही हैं, तो क्या होगा, ये पदार्थ कहलाएगा सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि अति चालकता। अति चालकता का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे लॉस हो रहा था ना, ट्रांसमिशन लॉस या और भी तरह के लॉसेज हो रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करने में, जो रेजिस्टेंस था, जो यहाँ पे प्रतिरोध का काम कर रहा था ना, वो अगर प्रतिरोध 0 हो जाए तो होगा क्या, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम इधर से भेजेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें इस साइड मिलेगी, ये होती है सुपर कंडक्टिविटी। कंटेक्स्ट ये है भी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है, बेंगलुरु में है, इसके द्वारा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसी पदार्थ की स्टेज है वो डेवलप की है जो क्या करेगी, सुपर कंडक्टिविटी को अंजाम देने वाली है। मतलब उसमें पदार्थ में इधर से मान लो कि 100 यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगली साइड भी 100 की 100 यूनिट ही हमें मिल जाएंगी, ये होती है सुपर कंडक्टिविटी का मेथड। देखो होता क्या है कि नॉर्मली जो कोई पदार्थ है ना वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है माइनस के 100 डिग्री टेम्परेचर पर, माइनस का 100 डिग्री टेम्परेचर। अब आपको पता है कि हर जगह माइनस में 100 डिग्री टेम्परेचर रखना तो काफ़ी मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है एक तरीके से। भाई आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में तो कितनी जगह वायर्स बिछे हुए हैं, तो ये थोड़ी कि हर जगह आप उनको माइनस में 100 डिग्री में रखो, तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्ट अब एक ऐसा मेथड लेके आए हैं कि भाई पदार्थ के अंदर इस तरीके के चेंजेस किए जाएंगे कि वो जिधर एक साइड से जितना मतलब एनर्जी हम बाइक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे अगली साइड पे हमें उतनी ही एनर्जी मिलेगी, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी एक नई स्टेज है वो उन्होंने डेवलप की है। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल वो होते हैं जो क्या कहते हैं, उनमें रेजिस्टेंस है वो 0 होता है और इसकी वजह से जो एनर्जी का लॉसेज होता है वो भी 0 हो जाता है। तो यानी कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ओब्वियसली 100% हो जाएगी, और इसीलिए ये काम है वो करेंगे। तो इसको लेके अभी न्यूज़ है वो आई है, तो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि सुपर कंडक्टिविटी है क्या, इसके बारे में हमने देखा। तो मैनली सुपर कंडक्टिविटी किस पे शो करती है, माइनस के 100 डिग्री पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि -100 डिग्री से कम का जितना भी टेम्परेचर है उस पे सुपर कंडक्टिविटी है वो शो की जाती है, बट अभी साइंटिस्ट नई स्टेज है वो डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेपाली सॉरी एम्बेसी को लेके।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर देख लेते हैं क्या। देखो, नेपाली जो एम्बेसी है ना, उसने अभी एक नया नोटिस इश्यू किया है। उन्होंने ये नोटिस इश्यू किया है कि भाई कोई भी नेपाली नागरिक, जो कि तीन मैली कौन कौन सी कंट्रीज है वो देख लो, पाकिस्तान, चाइना, हांगकॉन्ग और मकाऊ, यानी कि ये जो चार कंट्रीज है ना, इन कंट्रीज से कोई भी नेपाल का नागरिक इंडिया में आ रहा है ना, तो उसको वीज़ा लेना होगा। मतलब नेपाल का नागरिक हो और वो अगर इन चारों कंट्रीज़ के थ्रू इंडिया में आ रहा है, तो उसको बिना वीज़ा वो इंडिया में नहीं आ सकता। अभी देखो, रिसेंटली अगर हम बात करें, इंडिया और नेपाल के बीच में ये रूल है कि इंडिया और नेपाल के बीच में लोग डायरेक्टली फ्री में आ जा सकते हैं, यानी कि उनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी उनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया का नागरिक है वो बिना वीज़ा और पासपोर्ट के नेपाल जा सकता है, और नेपाल का नागरिक बिना वीज़ा और पासपोर्ट के इंडिया आ सकता है। बस उनको एक जो ऑफिशियल आईडी है वो रखनी होती है, मतलब एक ऑथोराइज आईडी होनी चाहिए उनके पास, ताकि वो शो करे कि भाई ये इंडिया का नागरिक है, ये नेपाल का है, दैट्स ऑल। तो अभी ये नोटिस जारी किया गया है नेपाली एम्बेसी के द्वारा कि इन चार कंट्रीज से अगर कोई भी नेपाल का नागरिक इंडिया में आ रहा है, तो उसको वीज़ा लेना होगा इंडिया का, तभी वो इंडिया में आ सकता है। इसी के साथ ही एक और ये है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? ये है कि जो गल्फ कंट्रीज़, जैसे कि सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ, लेबनान, ओमान, कुवैत, बहरीन, इन कंट्रीज से कोई भी आदमी अगर इंडिया में आ रहा है, तो उसको एनओसी लेनी होगी वहाँ से। और इसी मतलब ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, यहाँ से वो पर्सन एनओसी लेके आएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसी के बाद वो इंडिया में आ सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है CATFM सिस्टम। क्या है CATFM सिस्टम? CATFM का मतलब है सेंट्रलाइज्ड एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा नाम से ही समझ में आ गया, यानी कि सेंट्रल लेवल पे एयर जो ट्रैफिक है, इसके फ्लो को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम है। कंटेक्स्ट यह है कि इंडिया वर्ल्ड की सातवीं कंट्री बन गई है, किसके बाद? पहले यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान, ब्राज़ील, इसके बाद इंडिया सातवीं ऐसी कंट्री है जिसने इस सिस्टम को अडोप्ट है वो किया है। देखो, ये जो CATFM है ना, ये वर्ल्ड क्लास का एक सिस्टम है। इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे कि ये मान लो कि ये एक बड़ी सी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे क्या करेगा, इंडिया की मैप वगैरह आएगा। जैसे मान लो कि इंडिया का इस पर मैप बना होना, इस तरीके से ये मैप है बन गया, और इसमें सारी फ्लाइटों की लोकेशन शो करेगी लाइव कि भाई ये फ्लाइट यहाँ पहुँच गई, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये इधर जा रही है, इतनी देर में है। तो मतलब सारी फ्लाइट्स, इवन उस एरिया का वेदर भी शो करता है, जिससे होगा क्या कि उस भी जिस भी मतलब यहाँ पे जो हम एक तरीके से बात करें एयरपोर्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी रहेगी, कौन सी फ्लाइट वहाँ पे आ रही है, कितनी देर में पहुँच रही है, और कौन सी फ्लाइट को डाइवर्ट करना, थोड़ा सिस्टम को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसा एक सिस्टम होता है ये, जिसको अभी इंडिया ने अडोप्ट है वो किया है, यानी कि यह इंटरनेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैनेज करने के लिए ऐसा सिस्टम है। एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, और इसके अंदर जहाँ हवा की डायरेक्शन, प्लेन कौन सी है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेंगी, वेदर वगैरह की, ताकि आराम से उस फ्लाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन ली जा सके। अगर उसको डाइवर्ट करना हो तो डाइवर्ट भी किया जा सकता है, और यानी कि एक तरीके से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक तरह ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसको इंडिया ने अडोप्ट है वो किया है। इससे होगा क्या, इंडिया का जो एविएशन सेक्टर ना, इस पर बर्डन कम हो जाएगा, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो एक तरीके से हम बात करें कि मैनुअल वर्क है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। ये इसके बेनिफिट रहेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है, E2020 इनिशिएटिव। देखो, E2020 इनिशिएटिव है क्या? मई 2015 में क्या हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली है ना, इसके द्वारा ग्लोबल लेवल पे मलेरिया को ख़त्म करने के लिए स्टेप उठाया गया था। और उसका टारगेट ये था कि भाई मलेरिया को 2016 से लेकर 2030, यानी कि आगे आने वाले वाले 15 सालों में मलेरिया को ऑल ओवर वर्ल्ड से एलिमिनेट करना है। और इसी के अंदर एक छोटा सा टारगेट रखा गया था कि कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं, एटलीस्ट 10 कंट्रीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जो कि 2020 तक मलेरिया फ्री घोषित हो सकें। ये था E2020 मिशन, यानी कि एलिमिनेट 2020, यानी कि एलिमिनेट किसको करना है, मलेरिया को 2020 तक एटलीस्ट 10 कंट्रीज से एट एनी कॉस्ट। अभी कंटेक्स्ट यह है कि चार कंट्रीज एशिया से, चाइना, ईरान, मलेशिया और तैमूर लेस्ते, और एक है सेंट्रल अमेरिका की कंट्री जिसका नाम है एल सोल्डोडोर। इन पांचों कंट्रीज के द्वारा क्या हुआ है, अभी कोई भी WHO ने, पांचों कंट्रीज ने कोई भी एक तरह का मलेरिया का केस है वो शो नहीं किया है अभी तक, यानी स्वदेशी रूप से इन कंट्रीज में कोई भी मलेरिया का केस है वो नहीं दिखा गया है WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यानी कि ये पांच कंट्रीज हैं वो मलेरिया फ्री हैं, वो एक तरीके से हो चुकी हैं, जबकि 2020 तक हमें एटलीस्ट 10 कंट्रीज हैं वो एट एनी कॉस्ट करनी है। तो एक छोटा सा टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़।
तो देखो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।